अदृश्य कोरोना वायरस की लॉकडाउन। अदृश्य कोरोना वायरस के लिए बाजार, शहर, गांव की दुकानें हुई बंद। बचाव तथा अचूक सावधानी से कोरोना को हराना लक्ष्य है। स्वयं की हिफाजत से ही कोरोना हारेगा। लॉकडाउन से खतरनाक कोरोना वायरस को हराना है और उसे लॉकडाउन करना है। कोरोना को लॉकडाउन करने के लिए देशवासी एकजुट हुए हैं। कोरोना को लॉकडाउन करने के लिए देशवासी एकजुट हैं। विदित हो, इस वक्त अदृश्य कोरोना वायरस महामारी का हम सब डटकर मुकाबला कर रहे हैं। विदित हो, इस वक्त अदृश्य कोरोना वायरस की महामारी का हम सब डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा अनवरत जारी है। कर्तव्य निष्ठा ऐसी, गांव, शहर, राज्यों में लॉकडाउन, सब लॉकडाउन। गांव, शहर, राज्यों में लॉकडाउन है, यानी सब लॉकडाउन। बाजार में सन्नाटा पसरा है। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही लोग घर से बाजार निकल रहे हैं, क्योंकि बाजार बंद है, महामारी का ऐलान है, इसीलिए लॉकडाउन है। देखिए, इसमें जो है जिला पदाधिकारी महोदय के और हमारे द्वारा जो है संयुक्त आदेश भी निर्गत किया गया। इसके अलावा सुबह से ही सभी थाना अध्यक्ष और मंडल पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है। इसमें हम लोग दो तरह की कार्रवाई फिलहाल कर रहे हैं। जो एक इंटेंसिव वाहन चेकिंग हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अभी तक आज सुबह से लगभग 4 लाख रुपये फाइन किया गया है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन है, इसके लिए जो आदेश निर्गत है, उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए 3 प्राथमिकी अभी तक अंकित की गई है 6 लोगों के विरुद्ध, और 6 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो अभी आज पहला दिन है और हम लोग, हमारी जो है लोगों से अपील भी है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो खासकर जो अपने आप को बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा कहते हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से जो है जो सरकार के निर्देश है उनका उल्लंघन किया जा रहा है और उससे बचने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। अभी हम लोग खुद ही वाहन चेकिंग में थे तो हमने पाया कि एक एक 4-व्हीलर में 4-4 लोग 5-5 लोग बैठ के घूम रहे हैं, और उनके द्वारा जो है जब पूछा जा रहा है तो दवा लाने के नाम पे 3 जो है कोई दवा, एकदम कॉमन सी दवाएं, पैरासीटामॉल और इस तरह की दवाएं दिखाई जा रही है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है सभी नागरिकों से कि इस तरह से नहीं करें, बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। और दूसरा ये कि ये जितने लोगों की ज़रूरत है उतना ही लोग बाहर निकलें। सब्जी लेने के लिए 2-2 लोग या एक एक दवा लेने के लिए 4-4 लोग घर से बाहर कृपया नहीं निकलें, नहीं तो इससे जो समस्या फैलेगी उसका जो है परिणाम सभी को झेलना पड़ेगा। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। चार तथा अपने जिला के सिविल सर्जन कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के नंबर पर फोन करें तथा फोन पर ही चिकित्सीय सलाह प्राप्त करें। आवश्यक होने पर चिकित्सीय सुविधा एवं सलाह आपके घर शहर बंद है, सब बंद है। महामारी का विषम परिस्थिति से जूझ रहा है देश दुनिया। कोरोना को हराना मुख्य लक्ष्य है। चीन से उत्पन्न अदृश्य कोरोना वायरस देश दुनिया में
तबाही मचाते हुए महामारी का रूप ले चुका है। उससे जीवन को सुरक्षित रखना है तो स्वयं सावधान हो जाएं, लोगों से दूरी बनाकर रहें, दूसरों से न मिले जुलें, ज्यादा से ज्यादा हाथ को धोएं, ये सुरक्षा अपनाएं, अनजान व्यक्तियों के संपर्क से बचें, व्यक्तियों से दूरी बनाकर ही बातचीत करें। जीना है तो सावधानी अपनाना होगा, स्वयं के हिफाजत से ही कोरोना हारेगा और खुद हम सब स्वस्थ रहेंगे, चंगा रहेंगे, भला रहेंगे। कोरोना वायरस को हराने के लिए वजीरगंज वीडियो आनंद प्रकाश और सीईओ विजेंद्र कुमार ने वजीरगंज को बंद करा दिया। कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए वजीरगंज वीडियो आनंद प्रकाश सीईओ विजेंद्र कुमार ने वजीरगंज बाजार को लॉकडाउन कराया। लॉकडाउन के तहत आवश्यकता वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। वजीरगंज को लॉकडाउन कराया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर बाजार को लॉकडाउन कराया। तरमा बाजार लॉकडाउन, कोरोना के खतरे को रोकने के लिए यह उपाय जरूरी है। वजीरगंज वीडियो आनंद प्रकाश सीईओ विजेंद्र कुमार ने तरमा बाजार सहित जमवामा बाजार को भी लॉकडाउन कर दिया है। सरकार द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत पूरे बिहार को, और जिसमें कि जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी नगर निकाय क्षेत्रों को लॉकडाउन करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन आज से सुनिश्चित कराया जा रहा है। अब इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कुछ जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सभी तरह के प्रतिष्ठान, सभी तरह के दुकानें, सभी तरह के ऑफिसेस जो निजी ऑफिसेस में बंद रहेंगे, और इसी के साथ सभी लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें और घरों के बाहर ना आएँ, अनलेस कि आपको ये ज़रूरी सेवाओं को अवेल करना है, और उसमें भी घर का एक ही सदस्य अगर हो सके तो बाहर आए और अवेल करके सीधे अपने घर जाएं। जहाँ तक संभव हो इधर उधर या अतिथियों का या अन्य जगहों पर कोई सामाजिक सम्मेलन या किसी सामाजिक समारोह में ना जाएं, ये करें, सुनिश्चित करें। साथ ही में हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि इस पूरे सिस्टम में जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका 100% स्क्रीनिंग किया जाए, और उनको जो यथोचित हो, यदि होम क्वारंटाइन करना है तो होम क्वारंटाइन रिकमेंड हो, यदि उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है तो क्वारंटाइन सेंटर रखा जाए, और यदि आइसोलेशन वार्ड में उनको अगर सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रख के उनका टेस्टिंग करा के उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। कई लोगों से हम लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा ये समस्या है या हमारे बगल वालों की समस्या है, ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बिहार राज्य के लिए 104 नंबर टोल फ्री नंबर है जिसको रिलीज़ किया गया है, उस 104 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आपको चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सीय व्यवस्था भी कराई जाएगी, क्योंकि सभी पीएससी और सीएससी के अभी ओपीडीज बंद किए गए हैं और केवल एक स्केलेटन लेवल पे, मिनिमम लेवल पे एसडीएस सब डिवीजन हॉस्पिटल लेवल पे इसको चालू रखा गया है। इसी तरह से पीएससी सीएससी लेवल पे चार चार टीम बनाई गई हैं जो कि लोगों को अगर आवश्यक होने पे उनके घर जाके चिकित्सीय सुविधा दे सकेंगे या फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। साथ ही में ब्लॉक स्तर पर दो दो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जो लोग बाहर से आए उनको रखने के लिए, और बोध गया में हमारा एक दो क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है जो कि मेनली जो एयरपोर्ट से लोग आते हैं और जिनका कोई अपना यहाँ पे जगह नहीं है रुकने का, या रेलवे स्टेशन से आते हैं और गया में कहीं रुकने का जगह नहीं है, उनको ऑब्जर्वेशन रखने की आवश्यकता है, तो उनके लिए वहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड एनएमसीएच में, आईडीएच में, हम लोग सब डिवीजन हॉस्पिटल में बनाया गया है जो कि समय आने पर हम लोग यूज करेंगे। कार्यालय के नियंत्रण कक्ष नंबर पर फोन करें तथा फोन पर ही चिकित्सीय सलाह प्राप्त करें। आवश्यक
से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा महामारी अधिनियम 1895 के तहत आवश्यक रूप से अपने जिले से बाहर न निकले। अभी तक हम लोगों के पास जो संदिग्ध मरीज हैं वो टोटल संख्या 26 का है, और जिसमें कि 21 का टेस्टिंग हो चुका है और 21 का रिजल्ट आ चुका है, निगेटिव है। बाकी का अभी पेंडिंग है। आज फिर जो मुझे बताया गया है कि 10 और लोगों को सुबह से लेकर आज तक अभी तक एडमिट कराया गया है। 26 में ये कुछ इंक्लूडेड है, कुछ अभी एडमिशन में है, चल रहा है, प्रोसेस में है वो। तो ये हर दिन हम लोग उसको आपको आपके साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। बट इसके अलावा करीब 63 लोग ऐसे हैं जिनका क्वारंटाइन सेंटर में जगह जगह पर वो लोग हैं, चाहे वो आमस में क्वारंटाइन सेंटर में हों, चाहे बोधगया में हों, चाहे अन्य जगहों पर हों, इमामगंज में हों, वो 63 लोग हैं जो कि क्वारंटाइन सेंटर में अभी एडमिटेड हैं। देखिए, लॉकडाउन को लागू करने के लिए सेल बनाए गए हैं SSP साहब की तरफ से, और ऑलरेडी आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है, और मजिस्ट्रेट और फोर्स फील्ड में है जिसको सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि आज ये पहला दिन है और ये हम लोगों का ये एक्सपेक्टेड था शुरुआत में, कल जनता कर्फ्यू के बाद से लोगों में शुरुआत में इसको समझने में समय लग सकता है, लेकिन दोपहर के बाद से देखा गया है कि ये काफ़ी हद तक लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को पुनः बताना चाहूँ कि आज के बाद से, और आज जो हम लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं, कल से हर एक केस में जो वायलेशन हम लोगों को मिलेगा उसमें हम लोग IPC के 188 धारा में FIR करेंगे। प्राथमिकी करने से भी हम लोग नहीं हिचकेंगे। हम लोग चाहते हैं कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके अपने परिवार की सेफ्टी के लिए है, तो इसके लिए कृपया इसका उल्लंघन ना किया जाए। साथ ही जगह जगह माइकिंग की जा रही है, प्रखंड स्तर पर माइकिंग किया जा रहा है, अनुमंडल स्तर माइकिंग किया जा रहा है, कृपया उसको भी लोग सभी अटकें। कालाबाजारी के लिए हम लोगों ने SDM लेवल पर टीम बनाया है और डायरेक्शन दिया है कि ये टीम घूम घूम के रेट्स को चेक करेगी, सुनिश्चित करेगी उसका अनुपालन हो। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, उस पर लोग कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उस जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में सभी किराना स्टोर जो कि उनको बोला गया है कल से, वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसका अपने यहाँ पर उसको भी रखेंगे, डिस्प्ले पर रखेंगे या उनके पास रखेंगे, जिसको कि लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर लोग पे करेंगे। फल और सब्जी के लिए भी हम लोगों का एक प्रयास है कि किस तरह से एक कोई मूल्य जो औसतन मूल्य है उसको हम लोग जगह जगह डिस्प्ले कर सके। नोवल कोरोना वायरस के भयावह खतरे से बचने के लिए उपाय किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जीवन बचाना जरूरी है। जीना है तो दुकानों को बंद कर अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना है। सावधानी का अलर्ट जारी है। 31 मार्च 2020 तक प्रदेश सहित जिलों को लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर FIR भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आप सब लोग लॉकडाउन का जिम्मेवारी के साथ पालन करें, क्योंकि जीवन बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। आवश्यकता की खरीदारी के लिए कुछ दुकानें खुले रहेगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल नहीं होगी। अदृश्य खतरनाक कोरोना वायरस से जिंदगी बचाने के लिए यह सावधानी अपनाया जा रहा है। सावधानी अपनाकर स्वयं को सुरक्षित करें, परिवार को सुरक्षित करें, तभी राज्य तथा देश सुरक्षित रहेगा। बचाव से ही जीवन सुरक्षित रहेगा। सावधानी ऐसी, शहर थम गया है, चारों ओर सन्नाटा है, क्योंकि कोरोना को हराना है, कोरोना वायरस को दूर भगाना है। कोरोना को दूर भगाने की पहल जमी पर खरे उतर रहा है। गांव, शहर, राज्य सबके सब बंद हैं, लॉकडाउन है। सावधानी से ही अदृश्य खतरनाक कोरोना वायरस की संक्रमण चक्र टूटेगा और भारत सुरक्षित होगा। एहतियात का पालन करें और कराएं भी, क्योंकि देश हित और जीवन हित का सवाल है। सब सुरक्षित समझो, जीवन सुरक्षित, सुरक्षित जीवन होगा तभी चांद पर पहुंचने का सपना साकार होगा। अदृश्य खतरनाक कोरोना वायरस से बचाना है, कोरोना को हराना है। इस मुहिम में देशवासियों की चट्टानी एकता की जरूरत है।
उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि इस चट्टानी एकता से अदृश्य खतरनाक कोरोना वायरस हारेगा और इंडिया जीतेगा। लॉकडाउन के उपरांत सेहतमंद भारत खिलखिला उठेगा। कोरोना की भयावह स्थिति से डरना नहीं है, बचाव तथा अचूक सावधानी से उसे हराना लक्ष्य है। इस मुहिम में आप सबों की भागीदारी अहम भूमिका अदा कर रही है। हम सब अदृश्य खतरनाक कोरोना वायरस से अवश्य जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आह्वान पर सावधानी खरे उतर रहा है। देशवासी सावधान हैं, बचाव के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, जो कोरोना को हराने का चट्टानी मजबूत संकेत है। बिहार सहित कई राज्य लॉकडाउन में शामिल हैं। लॉकडाउन राज्यों में दिल्ली, बिहार, बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्य हैं। लॉकडाउन का आज पहला दिन है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, अब किस तरह से इसे लॉकडाउन को देख रहे हैं? देखिए, जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये अति आवश्यक है लोगों को स्वस्थ रहने के लिए। और हमारे देश में उस तरह का वायरस का काट अभी बना नहीं है, अभी पूरी तरह हम लोग सुरक्षित नहीं है। इससे जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ही बढ़िया है। ग्रामीण इलाके में क्या स्थिति है, उन ग्रामीण लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? जहाँ तक हो सकेगा, खेती बाड़ी का काम तो रुक नहीं सकता है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन लोगों को सतर्क करने के लिए कुछ विशेष अभियान ब्लॉक से, थाना से या और सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, ये लोग जाकर के गांव में संदेश दें, जिससे इससे बचा जा सके। कोरोना वायरस से ज्योतिष का कुछ है, ज्योतिष के अनुसार जहाँ तक भारत की कुंडली में केंद्र में इसका मंगल और राहु दोनों बैठा हुआ है, मंगल रूप देता है और राहु उसका समर्थन करता है, ये भारत की कुंडली में है। इस साल कैसा रहेगा? मिला जुला करके अच्छा रहेगा, राजनीतिक भविष्य तो बहुत ही बढ़िया है और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात होगा। लेकिन महामारी का जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें ज्योतिष का क्या? बहुत दिन तक रहेगा, नहीं निकल जाएगा। किस तरह से कोरोना का हराने के लिए आप लोग यहाँ पे दुकानें बंद करके? हम लोग मोदी जी के साथ हैं और साथ देने का कारण है कि जो कोरोना का लक्षण आया है उससे आदमी की मृत्यु हो जाता है, इसके कारण जो है हम लोग सभी दुकानें बंद रखे हैं। उसके बाद जो है आज भी दुकानें सारे बंद हैं वजीरगंज की, और वजीरगंज की जनता भी साथ दे रही है, प्रशासन हम लोग को दुकान बंद कराएं, उनके साथ हम लोग हैं, भारत सरकार के साथ हैं, और कोरोना को हराना है, चाहे इसके लिए 10 दिन बंद करना पड़े दुकान तो भी हम लोग सक्षम हैं। इस तरह का लॉकडाउन इंडिया में है, इस लॉकडाउन से खतरनाक कोरोना वायरस लॉकडाउन होगा। भारत ठाना है तो कोरोना को हरा कर ही दम लेगा। देश की चट्टानी एकता कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। जीवन है तो सब कुछ है, सब कुछ है। अंज सर, कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का पहला दिन है, किस तरह से लॉकडाउन करा रहे हैं? कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत कई प्रकार के गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार के द्वारा। उसमें जितने भी निजी प्रतिष्ठान हैं, निजी दुकानें हैं, सार्वजनिक परिवहन हैं, इनको हम लोग बंद करवा रहे हैं। इसके अलावे पंचायतों में जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग सूची बना करके या तो घरों में क्वारंटाइन करवा रहे हैं, नहीं तो प्रखंड स्तर पर भी हम लोगों ने क्वारंटाइन स्थल का निर्माण किया है मध्य विद्यालय पूनामा में। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा अगर क्वारंटाइन करने की जरूरत होगी ब्लॉक में, तो हम लोग वहाँ पर करेंगे। अभी फिलहाल कोई वहाँ पर आकर नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने अस्पताल से हम लोग अस्पताल के लगातार संपर्क में हैं, तो कोई लोग अगर जिन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.